अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का वीडियो आपको जरूर सोचने पर मजबूर करने वाला है। मणिपुर के बाद अब हरियाणा चल रहा है, राजस्थान में भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जो महज 22 साल का नौजवान था जिसे भगवा दंगाइयों ने जान से मार दिया, पर क्या आप जानते हैं मौलाना साहब की ख्वाहिश क्या थी? वो इस मुल्क को, इस भारत को ऐसा भारत देखना चाहता था जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, एक बर्तन में खाना खाए, और भारत में जो दीवार हिंदू मुसलमानों के दरमियान खड़ी की गई है उसे गिराना चाहता था। पर मौलाना साहब की ख्वाहिश ही शायद भगवा गुंडों को रास नहीं आई और उन्होंने इस आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। चलिए सुनते हैं अपनी आवाज में क्या भारत के लोगों को मौलाना साहब कहना चाहते थे। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या। खैर, अब मौलाना साहब शहीद हो चुके हैं पर इनका पैगाम आज भी बाकी है। पर क्या ये पैगाम उन दहशतगर्दों को पसंद आएगा जिन्होंने बेरहमी से इसका कत्ल किया? और शायद इस मुल्क के उन तमाम फिरका परस्त तंजीमों के अपराधों को नागवार गुजरा होगा, क्योंकि नफरत की दीवार ही तो इनके इख्तदार की सीढ़ी है। लिहाजा एक बात यह भी समझने की है कि जिस तरह मुसलमानों को लेकर समाज में नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मुस्लिम अकायद इबादतों को लेकर भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन मालूम सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है, जाहिर है इसका असर समाज में देखने को मिल रहा है। और इन तमाम नफरत के लिए सबसे पहले भारत की गोदी मीडिया जिम्मेदार है। आज भी जब हरियाणा जल रहा है, नूह गुरुग्राम मेवात में जहां फिरका परस्तों ने नंगा नाच करते हुए मौत का तांडव किया जिससे अब तक 6 लोग मारे जाने की खबर है, इसे भी किस अंदाज में पेश किया जा रहा है? मुसलमानों को देश विरोधी साबित करने की कोशिश करने वालों के लिए मौलाना साद का एतराना मुंह पर तमाचा है कि किस इंतहा तक अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा लिए हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दे रहा है। और ना जाने कितने लोग होंगे मौलाना साद जैसे जो इन फिरका परस्तों के हत्थे चढ़ चुके होंगे। कई बार तो मरने के बाद भी किसी तंजीम या संगठन से इनके नाम जोड़कर मुल्क विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती रही है। लिहाजा सोशल मीडिया पर मौलाना साद की यह नज्म काफी वायरल हो चुकी है। अल्लाह से मौलाना साद दुआ मांग रहे हैं कि ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह जिसमें भाईचारा रहे। पर क्या मौलाना साद जो भारत देखना चाहते हैं वैसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मस्जिद में इमामत करने वाले इस देशभक्त मौलाना को देशद्रोहियों ने गोलियों से इसलिए जान से मारा क्योंकि मौलाना साद मुसलमान था, और जिन्होंने गोली मारी वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। इस वक्त इस मुल्क की जनता को, आवाम को सोचना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। आपको मणिपुर में बराना जिन खवातिनों को घुमाया गया उसमें से एक उसकी बीवी थी जिसने इस मुल्क की खातिर कारगिल में जंग लड़ी थी, यानी वो फौजी था और सूबेदार के ओहदे पर अपने खिदमात को अंजाम दे चुका था। पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को तो बचा पाया पर अपनी बीवी की इज्जत को नहीं बचा पाया। आखिर कौन दरिंदे थे जिन्होंने इस फौजी के बीवी की असमत रिज़्क़ की? ये वही दरिंदे हैं। इसके साथ एक और तस्वीर देख सकते हैं जिसका नाम अभिषेक है। यह बजरंग दल में दाखिल हुआ और रैली में शरीक हुआ। कैसे दूसरों की जहनसाजी करते हैं, आखिर इन बड़े लीडरों के बच्चे क्यों नहीं मारे जाते? हिंदुत्व का परचम बुलंद कर भड़काऊ बयानात के जरिए आम आवाम को फसाद की आग में झोंकने वालों के बच्चे क्यों नहीं मारे जाते? क्यों इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं? कभी आपने अमित शाह के बेटे जय शाह को किसी फसाद या किसी रैली की कयादत करते हुए देखा है? इस 22 साल के अभिषेक चौहान की भी इस दंगे में मौत हो गई। मौलाना साद की उम्र भी 22 साल थी और अभिषेक की उम्र भी 22 साल की, लिहाजा दोनों मौतों पर तबसरा जरूरी हो जाता है। अभिषेक जैसे नौजवानों को जहन भड़का कर मुसलमानों के खिलाफ पेश भेज दिया जाता है। 12वीं सीखने के बाद अभिषेक ने गैरेज खोला था और यही अकेला घर की जिम्मेदारी लिया था। शायद किसी लीडर के राब्ते में आया और मुसलमानों के खिलाफ जुलूस में शरीक हुआ। जलाभिषेक यात्रा के नाम से मूनुमानेसर की कयादत में रैली निकाली गई। अखिलेतों के इलाकों में पथराव और आगजनी की पहले से ही तैयारी की गई थी ऐसा बताया जा रहा है, लिहाजा इस फसाद में अभिषेक भी मारा गया। अभिषेक की मौत से भी सबक लेना चाहिए। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बलि का बकरा कोई और हो जाता है? क्यों जितने भी लीडर अपने बच्चों को बड़े कारोबारी या अफसर बनाते हैं और बहुजनों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर दंगाई बना देते हैं, और जेलों, अस्पतालों या फिर अभिषेक जैसा मौत के आगोश में कोई और क्यों चला जाता है? यही सवाल आज मणिपुर के बाद हरियाणा चल रहा है। हो सकता है कि पूरे भारत में इस तरह माहौल आने वाले चुनाव के मद्देनजर बनाने की साजिश को देश विरोधी ताकतें अंजाम दे रही हैं।
कोई भी किसी भी धर्म का हो, जब मुल्क को बांटने की कोशिश करता है तो उसे देश विरोधी ही समझा जाएगा। जरूरत है मुत्तहिद होने की, मौलाना साद के उस पैगाम को समझने की कि ऐसा मुल्क हमें बनाना है जहां की मिट्टी में भाईचारगी है। भले कुछ मुट्ठी भर लोग मुल्क को नफरत के शोलों में झुलसता देखना चाहते हैं, जलते हुए शोलों पर सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, पर आज भी मुल्क का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस मुल्क को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखना चाहता है। दूसरी तरफ अभिषेक की मौत से भी सबक सीखना होगा। जहन साजी कर किसी धर्म के खिलाफ भड़का कर मरता तो बेगुनाह ही है, भड़काने वाले की तो सियासत चमक जाती है, पर उस घर में मातम छा जाता है जहां अभिषेक जैसे नौजवान किसी के भड़काने से शरीक हो जाते हैं। मौला साद हो या अभिषेक, मरता तो इंसान ही है। हम सबको इंसानियत को बचाना होगा और इंसानियत को बचाने के लिए मुल्क के संविधान को बचाना होगा, क्योंकि मुल्क का संविधान ही हम सबको बचाता है। क्योंकि कुछ लोग मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं, तभी तो उस फौजी की बीवी को बरहाना घुमाया जाता है जो मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए जान हथेली पर लिए खड़ा रहता है और उसकी वीडियो बनाई जाती है। मौलाना साद जो इस मुल्क में नफरत की दीवारों को गिराकर हिंदू मुस्लिम एक बर्तन में खाना खाने का ख्वाब देखता है, उसे देश विरोधी भीड़ मार देती है। अभिषेक जैसे लोग भड़काऊ बातों में आ जाते हैं और किसी माँ की कोख को सूनी कर जाती है, और यही सच्चाई है। क्योंकि इस मुल्क की मिट्टी में हिंदू मुसलमानों का खून जज्ब है, इसे बचाना है तो मुत्तहिद होना होगा। आज हर तरफ नफरत के बाजार लगे हैं, जहर के खरीदार न बनो, आग शोलों का खेल किसी को नहीं बख्शेगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।